इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व करते हैं। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 2 क्रॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, फाइंड द वैल्यू बोल के पूछा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या भी नहीं पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं पूछा, फाइंड द वैल्यू बोल के पूछा है। ओके ठीक है, सॉल्व करेंगे ठीक है। तो क्या होता है, देखो टेन इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज, टू क्रॉस रहेगा फिर टू रहेगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कब होता, 30 डिग्री पे रेडियन में, अरे पाई बाई सिक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ, अरे राइट ना, साइन इनवर्स 1/2 पे पाई बाई सिक्स लिखा। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये टेन इनवर्स रन दे, टू रन दे क्रॉस, ये टू से ये सिक्स जाने के बाद थ्री बचा, तो ये क्या होता है, पाई बाई थ्री होता। और अपने को ये बात भी मालूम, पाई बाई थ्री मीन्स 60 होता, और क्रॉस 60 की वैल्यू, अरे 1/2 होता। तो फाइनली देखो ये क्या होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 क्रॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू, अरे 1/2 है, 1/2 है, ये टू गेट कैंसिल। तो फाइनली क्या आ जाए, देखो टेन इनवर्स 1 आ जाए। अब टेन इनवर्स 1 कब होता, अरे पाई बाई 4 पे होता, बहुत सिंपल था, इसे नोट करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बोल के दिया है, फाइंड द वैल्यू लाना है इसकी। अपने को एक बात मालूम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, अरे पाई बाई टू होता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं बताया हूँ, प्रूफ है इसका इंट्रोडक्शन के वीडियो में, ये टू मैक्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होता, पाई बाई टू, इस पूरे की वैल्यू क्या आती, अरे पाई बाई टू आती। यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे एंगल ए है, तो देखो क्या होता है, ये कॉट उसकी वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई टू, और कॉट 90, अरे 0 होता है, आंसर आ गया, बहुत सिंपल था। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सिंपल है। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² डिवाइडेड बाय 1+y². ओके, इसको सॉल्व करेंगे अपन, फाइंड द वैल्यू बोल के है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी गिवन है। ओके, मैं देखो इसको सॉल्व करूँ, मैं टेन 1/2 एज इट इज, ओके, इसको देखो आप, आपने को एक बात मालूम है, कौन सी, टू टेन इनवर्स एक्स के टोटल 3 फार्मूले है, जिसमें से एक फार्मूला ये भी बैठता, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x². तो देखो क्या ये फार्मूला फॉर्म बना, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x², क्या इसके बजाय मैं 2 टेन इनवर्स एक्स, अरे लिख सकता हूँ, तो क्या होता, देखो 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 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 प्लस। आपने को ये बात भी मालूम, इसका और एक फार्मूला भी है, कौन सा है, 2 टेन इनवर्स एक्स का, क्या है वो, क्रॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन में 1+x², क्या फार्मूला बना, क्रॉस इनवर्स 1 - y² डिवाइडेड बाय 1+y² y की बात हो रही, तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x के बजाय y रहता, तो यहाँ पे देखो 2 टेन इनवर्स y होता। इसका और एक भी फार्मूला मालूम है, कौन सा है फार्मूला, वो टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x², अरे है ना, है 2 टेन इनवर्स x का, ये भी 3 फार्मूले है, मैं फार्मूले यहाँ पे रफ में बताया मैं आपको, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आता, अरे 2 कॉमन आता, तो फाइनली देखो ये टेन 1/2 इंटू 2 कॉमन आ रहा, तो रिमेनिंग क्या बचता, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है, ये टू जेड कैंसिल, टेन इंटू 1 ओनली टेन, रिमेनिंग यहाँ पे देखो क्या बचता, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और इसका फार्मूला भी अपने को मालूम है, मैं यहाँ पे लिखा तो मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या है फार्मूला, अपने को मालूम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 - x इंटू वाई, ये फार्मूला बना। तो यहाँ पे देखो क्या होता, फाइनली ये इधर तो टेन रहेगा, अब रिमेनिंग क्या आ गया, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू वाई, ठीक है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स होता, आपने को ये बात भी मालूम है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स होता, कब होता, एक्स टेन की रेंज में रहना, टेन की रेंज अरे रियल नंबर है, इनवर्स टेन की रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता, ठीक है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एंगल जो है एंगल एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या है इसका 1 - x इंटू वाई, फाइनल आंसर ये है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।